नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है नाथ का विश्वास। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या विश्वास होगा? इसका जवाब शायद हां में हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी योजनाओं के जरिए जनता का विश्वास जीतना चाहेंगे, तो जाहिर है इसे लेकर बहस भी गरमाएगी। देखिए जरा इस खास खबर को, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कौन किस पर विश्वास करता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कौन किस पर विश्वास करता है, और यही मुद्दे पर, विश्वास के मुद्दे पर ही अगला मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। तो सुना आपने, 2023 में कमलनाथ और कांग्रेस विश्वास के मंत्र के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, और कर्नाटक चुनाव के नतीजों से उनका ये विश्वास काफी बड़ा भी है। 2018 में भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, सरकार भी बनी, लेकिन समीकरण बदले और बीजेपी की सरकारें काबिज हो गई। अब कमलनाथ जनता को ये बात भी याद दिलाएंगे कि बीजेपी ने हर चीज का उपयोग किया, बजरंगबली से लेके तरह तरह के रोड शो, तरह तरह की नुक्कड़ सभा, इतना पैसा, इतनी पुलिस, इतना प्रशासन, ये सब बीजेपी ने, ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो उन्होंने नहीं अपनाया, और वो कांग्रेस के 50% में भी नहीं पहुंची। इधर बीजेपी के पास डबल इंजन सरकार का विश्वास है। जनता के हित में कई ऐसे काम हुए हैं जिससे पार्टी को लगता है कि कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा और एक बार फिर बीजेपी सरकार की वापसी होगी। ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है और मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है। हमारी सरकार ने गांव गांव में, घर घर के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद ऐसा चुनाव होगा जिसमें दोनों ही दल अपने अपने कार्यकाल की बात करेंगे, लेकिन सवाल यही कि जनता का भरोसा कौन जीत पाएगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। किसी भी चुनाव में भरोसा बड़ी बात होती है, विश्वास और भरोसा में थोड़ा सा अंतर है। विश्वास आप जगाते जाइए, लेकिन भरोसा तो जनता को करना पड़ेगा। भरोसा किस पर ज्यादा होगा, बीजेपी या कांग्रेस पर? 2018 की तस्वीर को हम देखते हैं तो दोनों दल बराबरी पर पहुंच गए। सरकार बन गई कांग्रेस की, बहुमत कांग्रेस के पास भी नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों का सहयोग मिला कुछ और कांग्रेस की सरकार बन गई। बहुमत से थोड़ी सी दूर थी और उसका असर यह हुआ कि 2020 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो दोनों के पास बताने के लिए है, एक से एक के पास वो 1.5 साल का समय जब उन्होंने क्या किया, और दूसरे के पास 18 साल का समय, डबल इंजन की सरकार है। अब विश्वास कौन जीतेगा? लेकिन कमलनाथ तो कह रहे हैं कर्नाटक के बाद कि हम चुनाव विश्वास कर लड़ेंगे, यही मुद्दा। समझते हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ, बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी आपका। अजीत भदौरिया जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, अजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत जी, अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि विश्वास पर चुनाव लड़ेंगे, ये विश्वास कौन सा है? देखिए आदरणीय मनोज जी, आप किसी भी पवित्र स्थान पे जब जाते हैं, धार्मिक स्थान पे या किसी संत महात्मा के आश्रम में, तो वहां लिखा रहता है श्रद्धा, आस्था और विश्वास। मतलब श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, और फिर उसके बाद ही तब आपका विश्वास बनेगा। तो आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की श्रद्धा मध्य प्रदेश की एक एक आम जनमानस के प्रति है, आस्था मध्य प्रदेश की माटी में है, मध्य प्रदेश की संस्कृति में है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी पे विश्वास करती है। 2018 में विश्वास किया था, 2023 में भी विश्वास करेगी। ये आप देखिएगा, ये बात शब्दशः सही होगी। और 2018 में जब आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी मनोज जी, तब वो प्रशासनिक रूप से मुझे लगता है 12 महीने के आसपास का कार्यकाल मिला उनको काम करने के लिए। उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, विधानसभा में खुद बीजेपी सरकार स्वीकार कर रही है, कृषि मंत्री जी की धर्मपत्नी का कर्जा माफ हुआ, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का
बिल बिल का किया कमलनाथ जी ने, संविदा कर्मचारियों को जो संविदा कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन करने की लिस्ट बनना चालू हो गई थी, पूरे विभागों में स्क्रूटनी चालू हो गई थी, एनआरएचएम के जो कर्मचारियों को निकाला था उसमें 127 कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर ज्वाइन करवाया आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने। तो मनोज जी, मध्य प्रदेश का जनमानस कमलनाथ जी के प्रति विश्वास रखता है, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के जनमानस में श्रद्धा और आस्था रखते हैं, कोई छल कपट की बात नहीं करते। नहीं, लेकिन आज ये दुर्भाग्य मनोज जी, जी जी ये कोई ये लाइन पहली बार दिख रहा है कि हमारा मुद्दा विश्वास होगा, ये कर्नाटक के बाद विश्वास बढ़ गया क्या? नहीं नहीं, हमारा देखिए विश्वास तो लगातार हमारा मध्य प्रदेश के जनमानस का कमलनाथ जी के साथ है। 2018 में भी दिखाया था और वो 2023 में भी दिखाएगा, परंतु वोटों की सरकार को जिस तरीके से नोटों से हस्तांतरित किया गया आप सबके सामने है, वो गिरा दी गई चलती हुई सरकार, मतलब को, उसकी परीक्षा होगी 23 में, उसकी परीक्षा अब 23 में होगी, इसका मतलब ये परीक्षा निश्चित रूप से होगी। जनता को देखना है ना कि विकास की डोर आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में सौंपी थी, उसको तोड़ दिया गया, यही कर्नाटक में किया था भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की सरकार स्थापित थी वहां पर जी, कांग्रेस की सरकार को तोड़ा जनता। मैं लौट रहा हूँ, धैर्यवर्धन शर्मा जी वो कह रहे हैं कि चुनाव तो इस बार विश्वास के मुद्दे पर होगा, और आप भी ये कहते रहे, बीडी शर्मा भी अभी कह रहे थे कि विश्वास हमारा इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, पर अभी बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जब ऐसा लगता है कि विश्वास जगाने की जरूरत भी पड़ेगी। विश्वास तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही है, जनता को भी भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास है, और लोग हमेशा से विश्वास करते आए हैं और उस विश्वास पर हम खड़े भी उतरे। अब कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां गिराने की बात आए तो अनेक अनुपलब्धियां, अनेक अविश्वसनीयता इनके खाते में भी, जैसे इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो ये अपनी सरकार में एबीसीडी भी शुरू नहीं कर पाए। ये किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ किसानों का कर्जा माफ इन्होंने किया है, पर बात तो 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की थी। क्या आप ईमानदारी से आप 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ एक भी किसान का कर पाए तो बताइए, आप 50,000 या उससे नीचे के किसानों का की राशि रकम जो थी वहीं तक आप पहुंच पाए? तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप कितनी भी जोर से विश्वास शब्द का प्रयोग करें पर जनता आसानी से यकीन करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक अवसरों पर उस विश्वास पर हम खड़े उतरे हैं, चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे गरीब को शौचालय देने की बात हो, चाहे गरीबों को हम किसानों को अन्य प्रकार के जो किसान पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपए मध्य प्रदेश में दे रहे हैं उसकी बात हो, चाहे मानवी बहनों को अब 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा उस भरोसे की बात हो, आदिवासी बहनों को सबसे पहले हमने 1,000 रुपए देना चालू किया जी। वो भरोसा भी कायम रहा। उसके बाद ऐसी तमाम योजना जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर आज भी भरोसा करती है कि ये जो कहेंगे सो करेंगे। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो कहेंगे वो करेंगे, पर जाहिर है कि कर्नाटका में जो जीत मिली है अब वो विश्वास तो जा गई है वहाँ पर लोगों का, क्योंकि देखिए आप एक जैसा काम हुआ है, वहाँ पर भी सरकार चली गई, यहाँ पर भी सरकार चली गई, वहाँ भी बीजेपी की सरकार बन गई, यहाँ भी बन गई, चुनाव हुए तो सरकार पर बदल गई। धैर्यवर्धन, अब देखिए लोकतंत्र है, बहुत सारे इश्यूज काम करते हैं, परिणाम अपेक्षा के अनुरूप ही हमेशा है, ये आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लड़ती हैं। वहां पर कर्नाटक में कौन सी बात हमारी इस बार लोगों को ग्राह्य नहीं हुई, किन मुद्दों पर हम पीछे रह गए जी, वो सब तो अब समीक्षा का विषय है। मुझे लग रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारा वहां का राज्य, उन सब विषयों पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेगा, जानकार लोगों से समझने का प्रयास करेगा क्यों ऐसी परिस्थिति बनी। लेकिन एक बार विश्वास थोड़ा सा खोया आपने, जब निगम के चुनाव हुए तो विश्वास गया, थोड़ा सा कम हुआ, और इसीलिए शायद लग रहा है कमलनाथ जी को कि एक बार हम पर विश्वास कर लिया निगम के चुनाव में, तो हो सकता है कि 23 में भी विश्वास कर ले। देखिए चूंकि यहाँ द्विदलीय व्यवस्था मोटे तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी को स्वप्न देखने का अधिकार है, वो अपने बेहतर भविष्य के लिए
रणनीति भी बना सकती, बात भी कर सकती, माहौल भी बना सकती है। उसमें तो मुझे कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा का संकल्प है, मैंने अभी तमाम सारे मुद्दे गिनाए जिन पर हम लोगों को भरोसा दिलाने में सफल रहे हैं कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनहितैषी योजनाओं की हमारे यहाँ श्रृंखला है और उसमें हम सदैव ईमानदारी से सेवा में रहेंगे। चलिए मैं लौटता हूँ जी। अजीत भदौरिया जी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भरोसा जताने में सफल रहे हैं, और यदि भरोसा इस तरह से जताएंगे तो फिर जनता उन पर विश्वास करेगी जैसा वो कह रहे हैं। देखिए 18 साल से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, करेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। अरे जो व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री है उसके राज्य में किसान ब्याज से डिफॉल्टर हो रहे हैं। आप 0% इंटरेस्ट की बात करते थे शिवराज सिंह, कहते डिफॉल्टर तो आपके कारण हो गए। सुन तो लीजिए, अरे तो हमारे कारण हुए, 3 साल तो हो गए। आपने क्यों नहीं उनके कर्जे माफ किए? आप तो 0% पे इंटरेस्ट देने वाली सरकार थी ना। आपने जितने के बैनर होर्डिंग लगा दिए थे शिवराज सिंह जी ने 0% के, उतने पैसे को बचा के अगर किसानों के हित में खर्च कर देते तो शायद आधे से ज्यादा किसानों की कर्ज माफ भी हो जाती। ये तो अपनी ब्रांडिंग करते हैं सर, जनता का किसानों का भला क्या करते हैं। देखिए आदरणीय मनोज जी, जी विश्वास तो जनता का कमलनाथ जी पे है, इसीलिए कमलनाथ जी पे कर्मचारी विश्वास कर रहे हैं कि कांग्रेस पे विश्वास कर रहे हैं कि ओपीएस लागू होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल और अब कर्नाटक में होने जा रही, इन जगह राज्यों पे लागू हो चुकी और कर्नाटक में होने जा रही। कमलनाथ जी शपथ लेंगे पहली कैबिनेट में 500 रुपए का सिलेंडर हर घर में, और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम हर कर्मचारी भाई बहन को, ये सारी योजनाएं जो कर्मचारी और जनता के हित की हैं आदरणीय कमलनाथ जी जो वचन दे रहे हैं, उन वचनों पे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता विश्वास कर रही है। विश्वास छलावा नहीं करते कमलनाथ जी, वो अपने कार्यकर्ता के साथ छलावा नहीं करते, कार्यकर्ता से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने दीपक को नहीं बचा के चल पाई, उनका दीपक बुझ गया, जो उनके आधार स्तंभ था वो दीपक बुझ गया। तो आप जला तो रहे हैं, किसकी बात करें, आप क्या जल रहा है ना? वो तो हमारे घर को रोशन कर रहा है ना। तो ये तो हमारी खूबी है, वो दीपक ने हमारे घर को विश्वास, कमलनाथ जी पे विश्वास किया ना, आपने तेल ज्यादा डाल दिया, आया आपने रोशनी ज्यादा बढ़ा दी, तेल ज्यादा डाल दिया उसमें। नहीं नहीं हमने नहीं तेल डाला, तेल डालने का घी डालने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया उनके घर तक जाके, पर उन्होंने कहा साहब साहब माफ करो, आपने विश्वास पे विश्वास इतना कर लिया कि हमारे पिताजी की वो तक नहीं हो पाया, स्मारक नहीं बन पाया। कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर स्मारक के लिए जगह अलॉट कर दी थी कैलाश जोशी के लिए, श्रद्धे कैलाश जोशी के लिए, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के संत पुरुष थे जी। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। एक चीज बता दीजिए, विश्वास जो होता है वो ये तो सच है कि आपको जनता ने जब 2018 में चुना तो इसी विश्वास के साथ चुना था कि आप रहेंगे, बहुत सारी बातें जो आपने अपने वचन पत्र और बाकी जगह कही थी उसको पूरा करेंगे। कर्ज माफी की बात भी हुई जैसा आपका दावा, सरकार ने भी कहा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, पर जनता ने इस विश्वास के साथ ही आपको पहुंचाया था कि आप 5 साल राज्य करेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर ही गड़बड़ हो गया और पार्टी टूट गई। अब पार्टी टूट गई तो ये वाला विश्वास कैसे जागेगा? फिर उनको लगे कहीं ऐसा ना हो कि हम विश्वास जताएं और कहीं से कोई तीसरा सिंधिया आ जाए। देखिए आदरणीय मनोज जी, रिसेंटली तो उदाहरण कर्नाटक है, कर्नाटक में भी घटनाक्रम हुआ था, वहां के जनता ने भी विश्वास किया ना। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो आजकल सोशल मीडिया और आप सबके मेहरबानी से जनमानस इतना सजग और सचेत है कि उसको मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बांधकर गले में अच्छे अच्छे लोगों को बेंगलोर के रिसोर्ट में ले जाके बांध दिया गया था। उनमें मेरे NSUI और यूथ कांग्रेस के साथ काम करने वाले कई साथी थे मनोज जी, जी। उन्होंने ये बताया घटनाक्रम में कि 3-3 दिन तक उनके दरवाजे के ताले नहीं खुले थे, ताले में बंद रखा जाता था, जैसे कैदी को खाना देते हैं ना वैसे थोड़ा सा दरवाजा खोल के वेटर खाने की थाली अंदर भेज देते थे। कोई TV चैनल नहीं था, अंदर कोई
कनेक्शन नहीं था, केवल कनेक्शन की बात देख पाए। तो जब ऐसी स्थिति दुर्गति की गई उन लोगों की, तो ये मध्य प्रदेश के जनमानस को मालूम है। अब जब जो भक्के गए हैं वो ही पछता रहे हैं कि हम कहां से कहां चले गए। जी भदौरिया जी, जी देवर्धन जी बोलिए। दुर्गत हो गई हमारी, ये उदाहरण से समझ में आ रहा है। मुझे बताइए भदौरिया जी, क्या बंदूक की नोक पर उनका अपहरण किया गया था? क्या उनको गुंडागर्दी के बल पर बंद कमरे में रखा गया था? वो अपने नेता में, अपने नेता के हुक्म के पालन में गए थे। वो सिंधिया जी के साथ जुड़े थे, सिंधिया जी के साथ जुड़े थे, दोनों का हुक्म उनको हुआ। 35-35 करोड़ इस पद पर दौड़ करके चले गए। इसमें कहां से क्या बात है, 35 करोड़ से तोला गया है आदरणीय धैर्यवर्धन जी, 35-35 करोड़ से। और आप तो उस जगह से आते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं भी बचपन से आपको देख रहा हूँ। आप संघ की शाखा में जाते हुए स्वयं सेवक की तरह आपने भी भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछा के चने खाकर काम किया। आज आपकी क्या दुर्गति है आप बताइए। आप मीडिया के पैनलिस्ट थे, आज आप पैनलिस्ट तक नहीं बचे। युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य तक नहीं बने। अजीत भदौरिया जी, अविश्वास, ये अविश्वास क्यों पैदा कर रहे हैं आप देवर्धन जी के बीच में? सात लोग, सुनिए मनोज जी, कड़वी सच्चाई इनको बता दूं, सात लोग शिवपुरी जैसे छोटे शहर में आयातित सात लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य। इस कार्यकर्ता से पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी के कि इसके दिल में कितना दर्द है, इसका धैर्य कब तक जवाब नहीं देगा। इस देवर्धन ये कांग्रेस की तैयारी है। देवर्धन जी आप समझिए किस तरह आपको तैयार किया जा रहा है, इसलिए उनको विश्वास है। इसी तरह इन्होंने कर्नाटक में किया होगा, देखिए विश्वास जताए लोगों के मन में। नहीं, जिम्मेदारियां बदलती रहती है, मुझसे ज्यादा योग्य लोग पार्टी को मिले हैं तो उनका उपयोग किया जा रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पर राजीव भदौरिया जो दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, आप तो हकीकत है ये दुखती रग नहीं। देखिए मेरा आपकी आत्मा को कहीं कोई दुख पहुंचाने का आशय नहीं है। अगर आपको अन्यथा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, मेरा कोई आशय नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता है, सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग समान उम्र के हैं, एक साथ कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, राजनीति में साथ में आए, तो दल भले ही अलग हो, विचारधारा अलग हो, पर हमने देखा है। और ऐसे आप जैसे कई लोग हैं, आप तो फिर भी हंस रहे हो मेरे दोस्त, कई लोग तो बेचारे मुंह नहीं, शकल नहीं दिखा रहे, कई लोग तो सामने नहीं आते। अजीत जी ज्यादा मत करिए, इतना मत करिए कि आप हंसना, उनका हंसना क्यों बिगाड़ रहे हैं आप। देवर्धन शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, वापस आते हैं मुद्दे पर। सवाल ये है कि देखिए वो जैसा कह रहे हैं कि ठीक है सरकार हमारी नहीं रही, सरकार आप तोड़ के ले गए, कुछ इसी तरह की स्थितियां मैं फिर कहूंगा कि कर्नाटक में बनी थी, लेकिन जनता ने विश्वास कर लिया कांग्रेस के भीतर। हालांकि वहां 38 साल का रिकॉर्ड रहा है कि किसी सरकार की वापसी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत सारी समानताएं होते हुए भी असमानता है। समानता सिर्फ इस बात की कि दोनों जगह सरकार टूटी थी और बनी थी। देखिए हर पराजय आईना दिखाती है, बहुत ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चुनाव में पराजित हुए हैं तो वे कौन सी बातें हैं, कहां से चूक हुई है, इसकी बहुत ईमानदारी से निष्पक्ष समीक्षा करनी भी चाहिए। और केवल समीक्षा ही नहीं, उनसे मुक्ति लेकर के उन मार्गों की ओर बढ़ना चाहिए जिनसे हमें जनता ज्यादा बेहतर लाड़ हमसे कर सके और ज्यादा प्यार दुलार हमको दे सके। तो ये समीक्षा का विषय होगा, पर मेरा इतना मानना है कि जो हमसे छूट गया, जो हम हार गए, अब उसका रोना तो नहीं रो सकते। वहां की अलग परिस्थिति थी, वहां के अलग मुद्दे रहे होंगे। मध्य प्रदेश में आज हमारी सरकार है, आज हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम लोगों का दिल जीते हैं। कुछ और यदि कहीं लगता है कि बेहतर किया जा सकता है तो बेहतर करेगी हमारी सरकार में। नहीं, ये दिल जीतने का काम और कैसे करेंगे आप। दिल देखिए, दिल ही तो है, दिल ही तो विश्वास है, विश्वास जीतना है। और स्वाभाविक है कि जब लंबे अरसे तक हम कहीं काम करते हैं तो बीच में एक अविश्वास भी पैदा होता है। नहीं, आप अविश्वास की बात नहीं है। जगजीत सिंह जी की गजल का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुना दीजिए। की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल तक जाने का जतन करती आई है हमेशा से। हम उनके नजदीक हैं और बेहतर उनका और मुक्त हृदय से आशीर्वाद मिले और सब उसके लिए सब करेंगे। जी अजीत जी, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। देखिए समानता कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मेरी नजर में दो थी। सरकार गई ठीक है,
वहां पे भी गई थी सरकार, खरीदी गई वोटों की सरकार नोटों से, वहां 40% कमीशन था, यहाँ 60% कमीशन है मनोज जी। यहाँ पे सोच लीजिए और कैसी स्थिति होने वाली, वहां 65 सीटें आ गई, यहाँ 65 भी नहीं आएंगी। 40% कमीशन में जब जनता ने 65 पे आंकड़ा टिका दिया तो यहाँ तो 40 के आसपास पहुंचेंगी। आज आप लिख लो इसकी रिकॉर्डिंग, अपन जिस दिन बैठेंगे ना काउंटिंग में आपको याद दिलाऊंगा। देहरवर्धन जी, देहरवर्धन जी, वो प्रतिशत में बता रहे हैं नहीं, ये गलत बात है। कहीं कोई कमीशन ईमानदार सरकार है, अब तो डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है, मुद्दे बता रहे हैं वो। आप सब नहीं नहीं अब काहे का बेईमानी, पहले पैसा आता था लोग खा जाते थे, अब तो डायरेक्ट खाते में जाता है लोगों के। शुद्ध ईमानदार 100% ईमानदार सरकार के थानेदार की पोस्टिंग हो रही है, आप बताओ। चलो 100% ईमानदार सरकार है भदौरिया जी, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा तो लोकायुक्त है उसके लिए। नहीं मैंने कहा कर्नाटक में डायरेक्ट नहीं जा रहा था क्या? क्या कर रहे हैं मनोज जी, कर्नाटक में डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा था क्या? मैं कर्नाटक इस चुनाव में कर्नाटक रहा नहीं, तो मुझे बहुत बारीकियां वहां की पता नहीं। डेढ़ महीने तक मुरैना एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई मनोज जी, जब तक अंडर द टेबल लिफाफा ना पहुंच गया। नहीं नहीं अब ये आरोप पर कैसे लगा सकते हैं? कहने में क्या जाता सर, वो आज तक 35 करोड़ आप नहीं बता पाए, माफ करिए कहाँ से है? नहीं नहीं 35 करोड़ फार्म हाउस खरीद लिए गए करोड़ों के, आपके केरवा के पास भी खरीद लिए गए, कहाँ से आया इतना पैसा? जांच करे, छापा पड़वा दे ईडी का उन लोगों के पास, 10-10 करोड़ के फार्म हाउस लोग खरीद रहे हैं केरवा के पास, जो विधायक साल साल भर के विधायक 10-10 करोड़ के फार्म हाउस खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं? नहीं आपको जानकारी जुटा रहे हैं क्या? ये जानकारी जुटा रहे हैं क्या 23 से पहले? अरे सब जानकारी है आदरणीय, सब A to Z जानकारी है, खसरे सहित जानकारियां है, कहां किसने संपत्तियां बनाई सब है, जिनके घर में खाने को नहीं था। अच्छा इसलिए इतना विश्वास जाग रहा है आपका? विश्वास तो हमारा जनता के साथ है, जनता के साथ आदरणीय कमलनाथ जी का जो आस्था श्रद्धा है, उसलिए कमलनाथ जी के ऊपर जनता विश्वास कर रही है। कमलनाथ जी ने जो काम किए 12 महीने के प्रशासनिक काल में, जवाब दीजिए दरबंद जवाब दीजिए, समय नहीं मेरे पास आपका मौका। मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि देखिए विश्वास दोनों को जगाना पड़ेगा, विश्वास उनको भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस भी हटी। वजह जो भी रही हो, बहुत सारी वजह, उसकी सरकार नहीं रही, बीच में सरकार टूट गई, उनके लोग चले गए, तो ये वाला विश्वास जनता के बीच में बताना पड़ेगा। लेकिन आपको भी ये विश्वास बताना पड़ेगा कि हम वापस लौटे, हमारी सरकार चलेगी, और 3 साल में हमने वो सब किया, समय आपको भी कम मिला, बीच में कोविड के 2 साल चले गए, तो ये विश्वास की जो परिधि है, विश्वास का जो आंकड़ा है, इस बार कुछ ज्यादा लंबा दिखाई देगा। धैर्यवर्धन जी देखिए, हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चे के या बाल बच्चे के जन्म से लेकर के और किसी बुजुर्ग के अंतिम संस्कार तक क्या कोई काम ऐसा बचा है जिसमें सरकार मदद न करती, सरकार का योगदान न हो? आप मुझे बताइए, यदि बच्चा पैदा हो रहा तो जच्चा को पैसा मिल रहा है 16,000-20,000 रुपए, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो गणवेश भी मिल रही है, उनको किताबें मुफ्त मिल रही हैं, बच्चों को साइकिल मिल रही है, वजीफा मिल रहा है, विदेशों में बच्चे जाकर के पढ़ रहे हैं। इस सरकार में एक बड़ी संख्या है बच्चों की जो फॉरन में जाकर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में बाहर पढ़ रहे हैं। इस सरकार की उपलब्धि ये भी है कि गरीब आदमी जिसने कभी प्राइवेट अस्पताल के अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उनको अब 5-5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। इसलिए विश्वास तो हमारा सुदृढ़ है, स्वास्थ्य कर दिया को भी हम पर विश्वास। चलिए सर अब जनता पर छोड़ दीजिए, अब जनता पर छोड़ दीजिए, दोनों मेहमान अजीत जी और धैर्यवर्धन जी वो किस पर कितना विश्वास करेंगे, लेकिन ये सच है कि ये चुनाव होगा तो विश्वास का, अब कौन पर कितना विश्वास ये समझ आएगा चुनाव के बाद। जब तक आप बताते रहिए और जताते रहिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों बताती रहेगी कि हमने इतना बेहतर काम किया। कई ऐसी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, या फिर हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, या बात करें लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, ये सब वो योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर जनता को कनेक्ट करती है। लेकिन इस बीच में 100 रुपये में 100 यूनिट ये भी योजना थी कमलनाथ की, तो कौन पर कितना विश्वास? और वही कमलनाथ कह रहे हैं कि विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, पर विश्वास के साथ भरोसा किसका रहेगा? ध्यान इस पर रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।